नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो बनाता हूँ। सारी जानकारी ऑथेंटिक वेरीफाइड होती है, यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से डायरेक्टली रेफरेंस होती है। और आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई के बारे में। एडल्ट्स में यूटीआई क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, क्रोनिक यूटीआई क्या होता है, रिकरेंट यूटीआई क्या होता है, क्यों होता है रिकरेंट यूटीआई, किडनी में पस क्यों भर सकता है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, ठीक कैसे करते हैं, सब जानेंगे आज अभी इसी वक्त। आइए शुरू करते हैं। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. यूटीआई यूरिनरी इन्फेक्शन ऑब्वियसली यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। मतलब ये यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी हो सकता है, ये ब्लैडर में हो सकता है। ब्लैडर में होगा तो उसको कहते हैं सिस्टाइटिस। ब्लैडर वो जगह है जहां आपका पेशाब भरता है। और ये किडनी में हो सकता है, किडनी में होगा तो इसको कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, राइट। और ये यूरेटर्स में हो सकता है। यूरेटर वो पाइप है जो किडनी से यूरिन ब्लैडर में लेके जाता है। सिर्फ यूरेटर में इंफेक्शन रेयरली होता है, कहीं ना कहीं से यूरेटर से यूरेटर में फैलेगा। और लास्टली सबसे कॉमन इंफेक्शन होता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा वो है पाइप जो ब्लैडर से यूरिन बाहर एम्प्टी बाहर की तरफ छोड़ता है, राइट। इसको कहते हैं यूरेथराइटिस। सो किसी भी जगह पे इन्फेक्शन हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। तो इसके कारण क्या है, क्यों होगा, क्यों? सबसे कॉमनली ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। और बैक्टीरिया एंटर करते हैं आपके यूरिनरी सिस्टम को यूरिथ्रा के तरफ से, ब्लैडर में फिर घुस जाते हैं वहां से। तो यूरिथ्रा बाहर से आएंगे और मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन सबसे कॉमन ब्लैडर में होता है, यूरिथ्रा के थ्रू फिर जा सकता है किडनी में। और ज्यादातर टाइम पे आपकी बॉडी जो है इस इन्फेक्शन को एक्चुअली टैकल कर सकती है, लेकिन कई बार कई चीजों की वजह से आपका रिस्क बढ़ जाता है। जैसे औरतों में इनका रिस्क ज्यादा होता है, औरतों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, क्योंकि उनका जो यूरिथ्रा है वो छोटा होता है और वो उनकी एनस के पास होता है एज कंपेयर टू मेन, राइट, और मर्दों के मुकाबले। इसीलिए औरतों में ज्यादा चांसेस हैं ज्यादा जल्दी यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाना, अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाना, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद इन्फेक्शन हो जाना, या फिर अगर वो बर्थ कंट्रोल के लिए डायफ्राम यूज कर रहे हैं तो इन्फेक्शन हो जाना। इवन उनके मीनोपॉज जब हो जाता है, जब महीना आना बंद हो जाए, उसके बाद भी उनको रिस्क बढ़ जाता है, उल्टा बढ़ जाता है, ठीक है। सो इसीलिए उनको ज्यादा होता है। उसके अलावा और कई कंडीशंस हैं जिनमें आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आपको डायबिटीज है, आपको किसी भी प्रकार की क्रोनिक ओल्ड एज बीमारी, यानी आपकी उम्र ज्यादा है, या आपको अल्जाइमर्स डिजीज है, डेलिरियम है, या आप मान लीजिए अपना ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं कर पा रहे, आपको यूरिनरी कैथेटर, यूरिन में जो पाइप डालते हैं वो डला हुआ है, आपको लैटरिन में निकल जाती है, बॉवल इनकॉन्टिनेंस है, आपका प्रोस्ट्रेट बढ़ा हुआ है, आपका यूरिनरी कैथेटर जो है वो कैथर यूरिथ्रा जो है वो पतला है, नैरो है, या कहीं से दबा है, स्ट्रिक्चर है, समझे, और कोई भी फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे किडनी स्टोन है, यूरिथ्रल स्टोन है, कहीं भी यूरिनरी ट्रैक में स्टोन है, या प्रेगनेंसी में चांसेस बढ़ जाते हैं, सर्जरी के बाद किसी भी प्रकार का प्रोसीजर, ऑपरेशन अगर यूरिनरी ट्रैक के आसपास या यूरिनरी ट्रैक में हो रहा है, उसमें आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि एक जगह बहुत देर तक रहने से, स्टेइंग स्टिल से, मान लीजिए अगर आपका हिप फ्रैक्चर हो गया और आपको बेड रेस्ट पे रहना पड़ गया, तो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अनहाइजीनिक कंडीशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मान लीजिए अब हो गया आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो क्या होगा? हो गया तो आपका यूरिन जो है वो क्लाउडी, यानी थोड़ा सा गाढ़ा सा आना लगेगा, और ब्लडी भी हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है, टर्बिड सा दिखेगा, और इवन उसमें से गंदी स्मेल आ सकती है, बहुत तेज फाउल स्मेल भी आ सकती है। आपको लो ग्रेड फीवर रहेगा अगर आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन है, तो ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो ऐसा सब कुछ होगा, लो ग्रेड फीवर, राइट, क्लाउडी ब्लडी यूरिन, फाउल स्मेलिंग यूरिन, और आपके पेन हो सकता है यूरिनेशन के साथ, बर्निंग हो सकती है पेशाब के साथ, बर्निंग, राइट, जलन के साथ पेशाब आ सकता है।
प्रेशर आ सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं आपको लोअर अबडोमिन में, पेट के निचले हिस्से में, या बैक के निचले, पीठ के निचले हिस्से में। आपको बहुत जोर से मन करेगा, स्ट्रॉन्ग अर्ज होगा पेशाब करने का, बार बार होगा, इवन पेशाब करने के बाद फिर बार बार अर्ज होगा, बार बार अर्ज। ये है बेसिक सिम्टम आपके ब्लैडर इन्फेक्शन के। और अगर इन्फेक्शन ऊपर चला गया किडनी में तो क्या होगा, तो आपको फिर ठंड चढ़ के बुखार होगा, चिल्स एंड राइगर्स एंड शेकिंग और नाइट स्वेट, रात को बुखार चढ़ेगा, रात को पसीना आएगा, बुखार बड़ा थोड़ा बढ़ेगा, टेम्परेचर 101 डिग्रीज या उससे ऊपर, या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। और फीवर तो रहेगा ही, फटीग हो सकता है, जनरलाइज पूरे बॉडी में दर्द हो सकता है, थकान रह सकती है, राइट। आपके बैक के नीचे हिस्से में साइड में पेन हो सकता है, बैक में या लॉइन ग्रॉइन जो कहते हैं उसमें, आपको स्किन में रेडनेस फ्लशिंग हो सकती है, मेंटल चेंजेस आ सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, खासकर बुढ़ापे में, बहुत ज्यादा उम्र हो जाने के बाद। सिर्फ काफी लोगों को यही पता चलता है, यही पहला साइन होता है उनका कि उनको कंफ्यूजन हो रहा है, मेंटल चेंजेस हो रहे हैं। हाँ, कई लोगों को बहुत बुरा एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, नौजिया वॉमिटिंग भी हो सकती है। अब आप हो गया हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करेगा, लेकिन ज्यादातर टाइम में आपको एक पेशाब का जांच करवाना पड़ेगा। यूरिन एनालिसिस से ज्यादातर पता चल जाता है यूरिन में कितने WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, या जिसको कहते हैं पस सेल, WBCs हैं, RBCs, कहीं खून तो नहीं आ रहा, राइट, रेड ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया तो नहीं है, और कई केमिकल्स के लिए देखा जाता है यूरिन में, शुगर तो नहीं आ रहा, नाइट्रेट्स तो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उससे पता चल जाएगा आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन कई बार लोग, आप दवाई खा के आते हो, दवाई खा के टेस्ट कराते हो, तो हो सकता है पेशाब में ना मिले लेकिन अंदर कहीं बैठा हो, और उस केस में हो सकता है हमें कल्चर करना पड़े, उसके लिए क्लीन कैच कल्चर लेना होता है, या इवन अगर अपने नहीं एंटीबायोटिक लिए तो भी कल्चर कर लेना, से और चीजें पता चलती है। कल्चर से यह पता चलती है कि बैक्टीरिया कौन सा है और उस बैक्टीरिया पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली एंटीबायोटिक कौन सी है, और रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक कौन सी है जो काम नहीं करेगी। हो सकता है हम वो दे रहे हैं जो काम ना करे और फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसके अलावा आपको एक CBC, एक सम कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड कल्चर भी कराना पड़ सकता है, और अगर सिम्टम बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, हो रहे हैं, तो फिर आपके डॉक्टर अलग अलग प्रकार के टेस्ट करवा सकते हैं, किडनी का अल्ट्रासाउंड, किडनी का स्कैन, राइट, वॉइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम, CT स्कैन अपडॉम पेट का, या इंट्रावीनस पाइलोग्राम, ये सब टेस्ट में से कुछ ना कुछ वो करा के देख सकते हैं अलग अलग केस में, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस। फिर बात आती है ट्रीटमेंट की। हो गया, सब हो गया, पता चल गया, आप ट्रीट कैसे करना है, आपके डॉक्टर ऑब्वियसली ये डिसाइड करेंगे कि इन्फेक्शन क्या सिर्फ ब्लैडर में है या किडनी में फैल गया है और कितना सीवियर। अगर तो माइल्ड इन्फेक्शन है ब्लैडर में या किडनी में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके डॉक्टर आपको एक एंटीबायोटिक देंगे, ये करने के लिए तय है कि आपकी इन्फेक्शन फैल ना जाए किडनी में, और फैल गया है तो माइल्ड इन्फेक्शन ठीक हो। अगर ब्लैडर इन्फेक्शन है, सिर्फ ब्लैडर इन्फेक्शन है, तो फिर 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं औरतों को, और मर्दों को 7 से 14 दिन के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। जी हाँ, मर्दों को 7 से 14 दिन, औरतों को 3 दिन। ये इसलिए क्योंकि औरतों का यूरेथ्रा छोटा होता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको डायबिटीज है, या आपको कोई माइल्ड किडनी इन्फेक्शन है साथ में लग रहा है, तो फिर आपको भी, औरतों को भी 7 से 14 दिन तक एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। और प्लीज अपना एंटीबायोटिक कोर्स खत्म करिएगा, इवन इफ अगर आपको पहले ही अच्छा लग रहा है, 2 दिन 3 दिन में अच्छा लगने लग गया, बंद मत कर देना दवा, क्योंकि अगर आप दवा बंद कर दोगी, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे, तो इन्फेक्शन वापस आएगा। इस बार वापस आने के बाद वो और मुश्किल हो जाएगा उसको ट्रीट करना, उसको भगाना। इसलिए ऑलवेज कंप्लीट योर ट्रीटमेंट कोर्स, एंटीबायोटिक जरूर कंप्लीट करें। इसके बाद पानी खूब पीना है, प्लेंटी ऑफ वाटर, वो बहुत जरूरी है अगर आपको ब्लैडर या किडनी इन्फेक्शन है, और अपने डॉक्टर को बताना है अगर आप कोई पहले से कोई दवा ले चुके हैं, ले रहे हैं, प्रेग्नेंट है या जो भी, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको रिकरेंट UTI है, मान लीजिए रिकरेंट UTI हो रहा है, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर इन दैट केस, खासकर औरतों को, फिर आपको हर बार कोई भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने के बाद एक सिंगल डोज एंटीबायोटिक का लेना पड़ सकता है, या जब भी आपको घर में इन्फेक्शन हो रहा है रिकरेंट, तो 3 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स लेना पड़ सकता है। ऐसे ही आप बीच बीच में, या फिर एक दिन में एक एंटीबायोटिक थोड़े लंबे समय के लिए भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मान लो बहुत सिवियर डिजीज है,
ये सिवियर डिजीज, बहुत सिवियर किडनी में इन्फेक्शन फैल गया है। और उन केस में जब आप बहुत ही ज्यादा मान लीजिए किडनी में इन्फेक्शन फैल गया है, पस भर गया है, या फिर आपको आप खाना नहीं खा पा रहे, बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं, पानी भी नहीं पी पा रहे, उल्टी हो सकती है, तो फिर आपको एडमिट होना पड़ेगा। और भी कई केसेस में मान लीजिए अगर आप बहुत उम्र ज्यादा है तो आपको एडमिट हो जाना चाहिए, किडनी स्टोन है या आपकी किडनी के जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके स्ट्रक्चर एनाटॉमी में चेंजेस आ गए हैं, मान लीजिए उसकी जो वहां पर स्ट्रक्चर दिख रहा है या स्वेलिंग दिख रही है तो एडमिट होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड में ऐसा दिख रहा है। तो इफ यू हैव, अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जरी हुई है रिसेंट, या कोई मान लो डायबिटीज है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, कोई भी प्रोसीजर हुआ है, कोई भी मेडिकल खास बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है, कैंसर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो आपको एडमिट होना चाहिए। प्रेगनेंसी है तो सीवियर केसेस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एडमिट होना बेहतर है, या आपको बहुत तेज बुखार है तो भी। राइट, हॉस्पिटल में आपको आईवी फ्लूइड्स चलेंगे, ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा और एंटीबायोटिक देंगे। ग्लूकोज बेसिकली बोलते हैं लोग, वैसे आईवी फ्लूइड बहुत प्रकार के होते हैं। सो आईवी फ्लूइड्स चढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स चढ़ेंगे आपके वेन से, और जिन जिनको यूटीआई होता है जो कई ट्रीटमेंट के बावजूद नहीं जाता, बार बार वापस आता है, उनको कहते हैं क्रोनिक यूटीआई। क्रोनिक यूटीआई के लिए फिर थोड़े स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देने होते हैं थोड़े लंबे समय के लिए, और कई लोगों को उसमें ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है इसको कंट्रोल करने के लिए। राइट, अगर प्रॉब्लम आ गई है मान लो यूरेथ्रा के स्ट्रक्चर में, तो यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम मान लो कोई रुकावट आ रही है, किंक हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो उसको निकाल देंगे तो आपको क्रोनिक यूटीआई होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर केसेस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आराम से ठीक हो जाता है। ब्लैडर इन्फेक्शन सिम्टम हो, अगर सिर्फ ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो आपकी जो दिक्कतें हैं, जो आपको तकलीफ हो रही है, वो 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाएंगे। अगर सिर्फ अगर अगर किडनी में इन्फेक्शन फैल गया है तो 1 हफ्ता लग सकता है या उससे ज्यादा लग सकता है आपको आराम आने में, लेकिन फिर भी पूरा कोर्स एंटीबायोटिक का कंप्लीट करना अनिवार्य है। अगर आप नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, अगर आप इलाज नहीं लोगे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इवन सेप्सिस हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड इन्फेक्शन जिसे कहते हैं सेप्सिस, वो हो सकता है। ये ज्यादातर बहुत ही ओल्ड एज में होता है या बहुत यंग लोगों में होता है। राइट, और आपकी बॉडी जो है उस केस में इन्फेक्शन फाइट नहीं कर पाती, और अगर आपको मान लो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, कैंसर है, एचआईवी है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो भी आपको सेप्सिस हो सकता है। मान लो अगर आपकी आप फिर भी नहीं इलाज करवा रहे, यानी सेप्सिस है तो किडनी डैमेज हो सकता है, किडनी में स्कार आ सकता है, किडनी में पस भर सकता है, तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको बुखार है, चिल्स है, बैक में पेन है, पेशाब में जलन है, तो अपने डॉक्टर को दिखाइए। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट चालू होगा उतनी जल्दी दिक्कत में आराम आएगा। मेक श्योर करिए आप जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ले रहे हैं। क्या इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जी हाँ, इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल से आप यूटीआई प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ हद तक। और जिन फीमेल्स का, औरतों का मेनोपॉज हो गया है, महीने आने बंद हो गए हैं, वो एक ईस्ट्रोजन क्रीम लगा सकते हैं वजाइना के आसपास रेगुलरली, जिससे कि आपके चांसेस इन्फेक्शन के कम हो जाएंगे। राइट, प्रॉपर डाइट के साथ अच्छी मात्रा में पानी पीना है, 3 लीटर के आसपास, 3 से 4 लीटर रेगुलरली, और रेगुलर हाइजीन मेंटेन करनी है, सैलेड फल फ्रूट अच्छे से खाना है। राइट, वजन मेंटेन करना है, डाइट आइडियल अच्छी वेज डाइट लेनी है, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। राइट, तो ये सारी बात हुई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, आई होप आपको समझ आई है। आप अपने ये वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर बताएं इस चैनल के बारे में। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। याद रखिए ये चैनल आपका है, आप ही को प्रमोट करना है, आप ही की रिक्वेस्ट पे वीडियोस बनते हैं, सारी बेसिक जानकारी दी जाती है। और दिस इज डॉक्टर एजुकेशन, आई एम डॉक्टर परमजीत, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, दिल्ली NCR। यह है मेरा चैनल, यह है आपका चैनल। सो ऑल यू नीड टू डू टू स्टे हेल्दी इज स्टे कनेक्टेड। ओके, गुड लक।